जय श्रीमन नारायण मित्रों। धने से लाभ भावस्थे लाभे सेवा धनम गति ताउभव केंद्र कोणस्थौ धनवान मानवो भवेत। महर्षि पाराशर कहते हैं कि यदि धनेश 11वें भाव में बैठा हो या फिर लाभेश आपकी कुंडली का इनकम भाव का मालिक 11वें घर का मालिक यदि धन स्थान में गया हो अथवा दोनों किसी केंद्र या त्रिकोण में एक साथ बैठे हो तो ऐसा मनुष्य अत्यंत धनवान होता है। तो आप अपनी कुंडली देखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए कि आपकी कुंडली में क्या ऐसा योग है। जय श्रीमन्नारायण।